आना होगा। ये देखिए अपनी शहजादी की कनात पसंदी को। मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन इसने मुख्तसर शॉपिंग से इक्तफा कर लिया। ला मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करने, किसी चीज की कमी महसूस ना हो। आमीन। आप लोग बैठ के बातें करें, मैंने खाना चढ़ा दिया है, अपने रूम से आती हूँ। ओके। रूफी बेटा, मुझे तो इस बात की फिक्र लगी हुई है कि कहीं वो लोग इस गलत फहमी में ना हो कि हम उनकी फरमाइश के मुताबिक सब कुछ दे रहे हैं। मैं फाइज और मैं नासिर के घर जाके बात कर रहे हैं। अपने घर वालों की जिम्मेदारी वो खुद ले रहा है। मुझे तो पूरा यकीन दिलाया है कि उसका ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। नासिर बहुत समझदार लड़का है, मेरे ख्याल में तो उसने दुर्दाना और शगुफ्ता से बात की होगी। नासिर से बहुत ज्यादा समझदार और बाशऊर हरीम है। बहुत फख्र है मुझे अपनी बहन पर कि उसने हमें जेर बार करने के बजाय इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठाया है। और नासिर जितना भी समझदार क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन हमारी हरीम के लिए आसान साबित होंगे। और दुर्दाना आंटी ने मुझे बहुत मायूस किया है। मेरी बेटी बहुत हौसलामंद है और उसका हौसला दरियाओं की तरह है जो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। बहुत समझदार है मेरी बच्ची, माशाल्लाह बहुत अकलमंद है। इंशाल्लाह बेहतर करें। शायद दे दो मुझे। फिर जी कुलसुम। जी बीबी जी। क्या बात है? उस साहब जी से पूछने जा रही थी कि खाना कमरे में लगा दूं। तुम रहने दो, मैं देख लेती हूँ, जाओ। बुखार नहीं उतरा अभी तक मेरे बेटे का? इस आतिश फिशां को सर्द होने के लिए कितना वक्त चाहिए? ऐसा ना हो कि इसका लावा घर को जलाकर खाक कर दे। फिक्र ना करें डियर मम्मी, आज मेरे पास शर्मिंदगी और नदामत की राख के अंदर दसने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। आज मुझे समझ आ गया, एग्जैक्टली समझ आ गया है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। इसी बात का तो अफसोस है कि ना तुमने अपनी हैसियत को समझा है ना माँ बाप के मर्तबे को। ये जो तुम चैरिटी के नाम पर दोस्तियां निभाते रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर धूल तो ना चाटते। अगर अपनी हैसियत को समझा होता तो आज बाप के दफ्तर से यूं बेइज्जत होकर ना निकाले जाते। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आज मैं अपने बाप के दफ्तर से जलील होकर निकाला गया। दुख मुझे इस बात का है कि अपने आप को इस माशरे में बाइज्जत कहलाने वाले लोग, करीम कहलाने वाले लोग, वो असल में कितने छोटे और बेवकत हैं। गरीब को हकीर कहकर भी उनकी मदद किए बगैर उनको खाली हाथ लौटा देते हैं।
क्या ऐसे लोगों को अपने आप को साहिब हैसियत कहने से शर्म नहीं आनी चाहिए? बकवास बंद करो। अरे ठहरो, कितने दिन लाया हूं? क्या बात है, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? शिद्दत से दर्द उठाया था फिक। मैं रूफी को और हरीम को बुलाता हूँ। रुक जाइए। हरीम और रूफी को बिल्कुल भी एहसास ना होने दें कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे तकलीफ है। शादी सर पर है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी मेरी बेटी की खुशियों के आड़े आए, तखीर का बायस बने, चंद दिन खैरियत से गुजर जाए, बाद में देखी जाएगी। कितना दुख झेले हैं तुमने मेरी कमाई की खात, सारी जिंदगी खुश भी ना कर सका तुम्हारे लिए। आपसे मुझे फर्मा बदार औलाद मिली और क्या चाहिए एक औरत, दौलत और सेहत तो नसीब की बात है। मेरे नसीब में कम लिखी गई राजी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम दोनों मिलके अपने बच्चों की खुशियां देखेंगे, फिक्र मत करो। मुझे फायज पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जवान खून है, नादानी में कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। वो तो अच्छा हुआ कि वो तहम्मुल और बर्दाश्त से सह गया, रिएक्ट नहीं किया। लेकिन मुझे भी जरा नरमी से काम लेना होगा, ऐसा ना हो इतनी सख्ती से मामला हाथ से निकल जाए। रूफी ने कितनी आस और उम्मीदों से अपने मसाइल शेयर किए थे मुझसे, अफसोस कि मैं उसके लिए कुछ ना कर पाया, ना आती आंटी की सर्जरी के लिए, ना हरीम की खुशियों के लिए। किस कदर बेबस हूं मैं। सॉरी बेटा, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुमने जिस अंदाज से हमना के सामने मुझसे बात की, मुझे बहुत तकलीफ हुई। शायद उसी का रिएक्शन इतना बढ़ गया कि मेरा हाथ उठ गया था। पर इट्स ओके मम्मी, मुझे तो किस बात का नहीं है कि आपने मुझ पे हाथ उठाया। बहुत मोहब्बत मेहनत से परवरिश किया आपने मेरी, और अगर आज पहली दफा हाथ उठा भी लिया तो इट्स फाइन।
बस दुख इस बात का है कि मेरे जज्बात नहीं समझ सके। यही पैसा अगर मैं कोई लैविश गाड़ी के लिए मांगता, दुनिया घूमने के लिए मांगता, हॉर्स रेस पे पैसा लगाने के लिए मांगता, तो मुझे भर भर के पैसा दिया जाता। लेकिन मैंने जब किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहिए तो मुझ पे से हाथ उठा लिया। ये डबल स्टैंडर्ड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और शायद इसीलिए मैंने थप्पड़ खाया। और अमना भाभी के सामने भी मैंने सच ही तो बोला। हमारे इस महल नुमा घर में अगर सच बोलने की कीमत एक थप्पड़ है तो मैं खाऊंगा फिर से। पता है फाइज, जैसे मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, तुम शायद मेरा नजरिया कभी नहीं समझ पाओगे। तुम रूफी की मदद करना चाहते हो ना, उसकी बहन की शादी के लिए, तो कोई कीमती सा तोहफा दे दो, टीवी, फ्रिज, डीप फ्रीजर, जो चीज भी उन्हें चाहिए मैं भिजवा दूंगी। मगर ये लाखों की फरमाइश छोड़। कि मम्मी, इतने पैसे तो आपने रयान भाई की शादी पे घुमा के फेंक दिए। जिंदगी में हर इंसान का मयार एक जैसा नहीं होता। राजे को राजा और फकीर को फकीर क्यों पैदा किया जाता है, ये जवाब पैदा करने वाला हमें नहीं देता। मम्मी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि राजे को राजा उसका इम्तिहान लेने के लिए बनाया गया हो। लेकिन आपकी पेशकश का बहुत शुक्रिया, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। इजाजत दीजिए। कहाँ जा रहे हो? किसी को बताने जा रहा हूं। कितना मामूली और मायने हो। हरी जी भाई, मैं अम्मी के चेकअप के बाद इन दोनों को शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। तुम्हारी शादी में बहुत कम टाइम बचा है, इन लोगों ने अभी तक कपड़े नहीं लिए। बहुत अच्छा सोचा भाई आपने, थैंक यू। बहुत अच्छे से कपड़े दिलवाइएगा। अम्मी अब वो आप दोनों को तो बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं है। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में क्या जरूरत है नखरे करने की, भाई कुछ भी पहन लेंगे। खाम खा, आपकी बेटी की शादी है, किसी दूर परे रिश्तेदार की नहीं, क्यों पुराने कपड़े पहनेंगे आप। चलो चलो, जैसा तुम कहते हो। अबे चलें। हेलो ग्रुप बेटे, अल्लाह फ़ेस। दैट्स
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे कुछ बात करनी है, मैं चंद मिनटों के लिए अंदर आ सकता हूँ? नहीं नहीं, घर पे कोई नहीं है। मुझे जिससे बात करनी है वो तो है ना, अगर तुम अकेली मेरे घर आ सकती हो तो मुझे बुलाने में क्या मसला है? बदली हुई खामोश चुपचाप रहने वाली मदद बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मुराद तुम्हें ऐसे पसंद करते हैं? तुम्हें ये बात बुरी लगे या अच्छी जो भी है, I really think हमें हनीमून पर जाना चाहिए। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, चंदा लेकर नहीं। जिसे तुम चंदा कह रहे हो वो मेरे भाइयों का गिफ्ट है मुराद। तुम्हारे मुंह फट होने की कीमत ना किसी दिन हमारे रिश्ते को चुकानी पड़ेगी। बात दरअसल ये है कि अम्मी को उनकी मर्जी के खिलाफ किसी बात पर आमादा करना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। अम्मी की अपनी एक सोच है, ज़हनियत है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर बात क्या है, मसला क्या है। मैंने अम्मी से कह दिया कि हम मिलकर घर का नज़्म व नस्क चला लेंगे, खत चला लेंगे, शादी पे भी उन्हें कोई मायूसी नहीं होगी क्योंकि लड़की वाले अपनी लड़की के लिए इतना तो करेंगे। बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा सब्र से काम लेना। शादी से 4 दिन पहले बात कहना आपको जेब नहीं देता, और मैं खुद मिलने आई थी आपसे, आपको बताया था मैंने सब। कि वालदा क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, ये आपका और उनका मसला है। मुझे मुनाफ़िकत नहीं आती। खालिद, अब आपको जाना चाहिए। मोहब्बत आती है तुम्हें? बस मेरे लिए इतना काफी है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत हो, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए चमक हो, मुस्कुराहट हो, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आप ऐसा सोचते होंगे, फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। जाना चाहिए। इतने प्यार से, इतने अरमानों से तुमसे बात करता हूं, इतने प्यार से तुम्हारे लिए हाथ बढ़ाता हूं, हर बार नफरत से मेरा हाथ झटक देती है। मैंने क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। तुम यहां गुरूर घमंड के पहाड़ पे हो, तुम्हारा होने वाला शौहर हूं मैं। मैं मानती हूँ कि आप मेरे होने वाले शोहर हैं, और आपकी शिकायत का जाला मेरे लिए तभी मुमकिन होगा जब आप मेरे हकीकी शोहर होंगे। समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, आपको यहाँ रहना मुनासिब नहीं। प्लीज जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देखना चाहता हूँ कि तुम कितना एतबार करती हो मुझ पर। शादी के बाद भी तुम्हारे यही तेवर रहे तो क्या होगा?
ये कौन है? जी मेहरबान कर्मोसन, मैं दीप्ति हूँ। नहीं रुको, मुझे जाना है। फाइज तुम? मैं रूफी को मिलने आया था। नहीं रूफी तो नहीं है घर पे, अंकल आंटी कोई भी नहीं। अच्छा, ऐसे अजीब सी बात है, उन सबके यहाँ पे ना होते हुए तुम्हारा यहाँ पे होने का क्या जवाब है? ऐसी बातें नहीं पूछते जिनमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हो। मुझे लगता है तुम्हें देख के बात करनी चाहिए, तुम्हें इस घर के होने वाले दामाद। ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम। कोई काम था? जी मैं रूफी से मिलने आया था, उसको सलाम कहिएगा जब आए। जी थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो फाइज? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रूफी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे, आंटी से, अंकल से कैसे नजरें मिला पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यार जैसा तुम सोच रहे हो। कुछ रकम बाबा को भी मिल गई थी ऑफिस से, और वैसे भी शादी के अखराजात इतने नहीं है। हरीम बहुत समझदार है, उसने हमें कोई बार उठाने नहीं दिया। रही बात अम्मी के इलाज की, तो कुछ रकम मेरे पास है और कुछ मैं अरेंज कर लूंगा, तुम बस शादी पे आने की तैयारी करो। याद रखना हमें बहुत एंजॉय करना है। सही है? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शकों ने बुलाया, कह रही थी ढोलकी बजाएंगे और लुड्डी भी डालेंगे। कितने साले मानो तुम भाई जख्म देता है और बहन नमक चढ़ती, कभी खुश नहीं रहोगे तुम। बहाने बहाने से गरीब होने की आदत नहीं गई ना नासिर, सोच लो मैंने शोर मचा दिया तो तुम्हारी शादी रुक जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें इतनी जरूरत है मेरे करीब आने पे शोर मचाओ तुम? एक बार मैंने तुम्हें समझने में गलती की थी, इस बार तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मोहब्बत के झांसे में आके जो खामोश रह सकती है ना, बेवफाई के जाल में फंसने के बाद शोर भी मचा सकती है नासिर साहब। Thank you.
तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुमसे सिर्फ मिलने आया था, मुझे गलत मत समझना, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि उससे हमारे आने वाली जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे भरोसे और तुम आत्मा कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, वरना शादी के बाद सारी जिंदगी सॉरी बोलते गुजर जाएगी। पागल तो नहीं हो क्या? तेरा दिमाग खराब है? हैं? उनकी हर बात मानते जाए? इधर तू वो करेगा जो तुझे मैं कहूंगी। हो क्या गया? बताएं तो। चुप कर, मेरी सुन बात। कोई जरूरत नहीं है पहले से कोई बात करने की। Oh, नहीं तमन्ना के
नाम से सुन ले तेरी हर खुशी के लिए ये जहां वार दूं मैं तेरे नाम से ओ मैं नहीं है किसी से मतलब किसी को भी जानते नहीं है फना जो होना काजी साहब मुझे लड़की वालों से कोई बात करनी है जरूरी आइए भाई साहब हाँ रूफी बेटा आओ तुम भी जी क्या मामला मुझे नहीं पता आप फिक्र मत करें निकाह की रसूमात को मुलतवी करके कहाँ जा रहे हो सब खैरियत तो है सब खैरियत है फाइज ये हमारा पर्सनल मैटर फैमिली बैठ के सुलझा लेगी एक मेहमान हो मेहमानों के साथ बैठे नासिर हमारे घर में फाइज की हैसियत किसी खानदान वाले से कम नहीं तो कोई मेहमान नहीं है बल्कि हमारा फैमिली मेम्बर है फाइज तुम मेरे भाई हमारे साथ आके बैठो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोच के इस लड़की का इंतखाब किया तुम लोगों ने जो जितनी ऊंची उड़ान उड़ता है ना इतनी ही जोर से पटाख करके जमीन पे गिरता भाई बड़ी बुरी चोट लगी है तुम्हारे भाई नासिर को तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती चुप रहने का ही खमियाजा भुगता है मैंने